देख रहे हैं बियानी टीवी में कुछ पॉजिटिव खबरें और मैं हूं अनुष्का शर्मा। आज की खबरों में, महामारी की वजह से सेक्टर भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी है जिनकी ग्रोथ सकारात्मक दिख रही है। राजस्थान की आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ पिछले 5 साल से लगातार 20% वृद्धि कर रही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में 2019-20 में 1300 करोड़ रुपए के सॉफ्टवेयर निर्यात किए गए। राजस्थान की आईटी इंडस्ट्री को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों से ऑर्डर मिल रहे हैं। विद्याधर नगर जयपुर स्थित बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस द्वारा CBSE परीक्षा के समय बच्चों व अभिभावकों के लिए अवसाद, चिंता व सब्जेक्ट से संबंधित समस्याओं के संबंध में हेल्पलाइन डेस्क बनाई गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी व अभिभावक सुबह 11:30 से 4 के मध्य कॉलेज की वेबसाइट biyanicolleges.org हेल्पलाइन पर विशेषज्ञों के द्वारा काउंसलिंग सेवा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने कोरोना मरीजों पर सकारात्मक परिणाम का दावा किया है। विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च के बाद पॉजिटिव मरीजों को आयुर्वेदिक दवा देने पर परिणाम सकारात्मक आए हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने इस दिशा में 4 कैटेगरी में रिसर्च किया। कोरोना से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता महत्वपूर्ण है, इसीलिए ड्रग्स तैयार कर 1000 लोगों पर प्रयोग किया। जिले के मंगरू गांव के 33 वर्षीय युवा विपिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार का प्रयास किया, पर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इसी नाकामी से सफलता का मंत्र सीख लिया। औषधीय पौधों की खेती से न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि 28 अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। अब प्लांट लगाकर करीब 200 लोगों को रोजगार उपस्थित करवा रहे हैं। यह थी बियानी टीवी पर आज की कुछ सकारात्मक खबरें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें लाइक करें, अपनी राय देते हुए कमेंट करें और हाँ, बियानी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ अच्छी खबरों के साथ। धन्यवाद।